नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कुक्षी ग्राम पंचायत निम्बोल में सरपंच पुत्र द्वारा सचिव की पिटाई का मामला सामने आया है। सचिव के आरोप के अनुसार धार जिले की निसरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम निम्बोल में सचिव साधुराम फुलमोली ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्य कर रहा था, तभी अचानक सरपंच पुत्र प्रमोद पटेल अपने साथियों के साथ आया और उसने सचिव साधुराम के साथ मारपीट कर दी। सचिव का कहना है कि उसकी पत्नी और बच्चों के साथ भी वर्वरता पूर्वक पिटाई की गई है। सचिव का आरोप ये भी है कि सरपंच पुत्र उस पर सरकारी राशि में गबन कर 5 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। कुक्षी थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया है कि मामला गंभीर है। पुलिस आरोपी प्रमोद पटेल सहित 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामला दर्ज कर विवेचना जारी है। गाइस हमारा धारदार हथियार से और बेल्ट है उसके बेल्ट से निकाला, उसके कमर से बेल्ट निकाला और शर्ट शर्ट देखे उसकी, ये मारा और ये हाथ में लगा हुआ है, ये हाथ में लट मारा थी, सूजन आ गए इधर की साइड का। ये पुत्र है? हाँ पुत्र है मेरा। ये क्या नाम? मेरे साथ उमेश फुलमाली है। उमेश फुलमाली तो वहाँ क्या कर रहे थे आप? साथ पापा के साथ गया था। पापा के साथ आपको मारा थे? हाँ, वो बोलने गए बचाने का, पापा बचाने गए, बचाता नहीं पर वो प्रमोद था, उनके रिश्तेदार थे। अच्छा, उनके आदमी थे प्रमोद? हाँ सर। गाली दे देंगे मारे तो बोलते जान से मार देंगे। प्रमोद कौन है? ये सरपंच है, सरपंच पुत्र। सरपंच पुत्र उसी ने मार के लिए आपको? हाँ, उन्हें लात भी मारी थी मेरे को। हाँ, कमर में लात भी मारी नाबालिग बच्चों को उनके साथ। हाँ, नाम बताओ। हाँ, मैं साधुराम फुलमाली ग्राम पंचायत निम्बोल का होकर मैं शासकीय काम करके निकलने वाला था काम ऑफिस में, और इतने में प्रमोद किशोर पटेल लेके 4-5 गुंडे लेके आके ना एकदम मेरे को पंचायत भवन में मारपीट करने लगा, तोड़ फोड़ भी कर दी, ताले भी तोड़ दिए और साले को मार दूंगा, मेरे को 5 लाख रुपए निकालने का बोला था पेयजल का, आज तक आपने दी नहीं, इसलिए मेरे से साथ में मारपीट करी है। जबकि नियमानुसार 5 लाख रुपये पेयजल है तो शासन ने देश मान से काम के हिसाब से निकलते हैं, इसलिए मेरे को 4 गुंडे लगा के दौड़ा के फिर बाहर दौड़ा के मेरे को मारा रोड पर। गांव वाले देखा करे पर मेरे को कोई बचाने वाला नहीं आया, कोई महिला नहीं आई, मतलब कोई महिला भी नहीं आई, पुरुष भी नहीं आए, और एक पड़ोसी समाज के घर के अंदर घुसो, वो समाज के अंदर घुस गया था, उसने भी मेरे को धक्के मार के बाहर निकल, साहब हमको मारेगा तुम बाहर निकलो, फिर तो 5-8 आदमी गए, फिर अंदर से निकाल के फिर रोड पे मारा मेरे को, मेरे बच्चों को भी मारा, मेरे बालक भी साथ में था उसको भी मारा बेरहमी से। आप पहचानते हो मारने वाला कौन कौन है? वो नाम तो नहीं पहचानता, वो प्रमोद के साथ में थे, उसके मामा पंक के सब परिवार के लोग थे, अब वो 4 लोग थे, कौन थे नाम नहीं मालूम सर। चेहरे सब पहचानते हो? कौन है? प्रमोद सरपंच पुत्र है। अच्छा, वो क्या चाहता है, क्या कहना पड़ता है? वो बोलता है कि तूने 40,000 मेरे को निकाल के नहीं दिए, मैं मांगता हूँ 5 लाख पानी के पेयजल योजना के तुमने नहीं दिए, इसलिए मैं तेरे को मार दूंगा साले को, कहे तू काम सुनता नहीं बोले, इसलिए मेरे पे उन्होंने जानलेवा हमला भी किया और पंचायत में भी तोड़ फोड़ करी, कंप्यूटर का बस्ता भी तोड़ दिया है और ऑफिस के ताले भी तोड़ दिए उसने। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार बड़ोले है, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ CSC निसरपुर में। अभी जो ये सुसारी का मारपीट का मामला आया है, उसमें निम्बोल का जो मारपीट का जो मामला आया है उसमें 2 व्यक्तियों को लगी है, एक बच्चे को हाथ में लगी है, उसके एक्सरे के लिए हमने एडवाइस कर दिए, वो सुबह होगा, अभी तो इमरजेंसी में एक्सरे यहाँ पे होता नहीं है। और जो और उनके पापा हैं उनको भी पीठ में थोड़ा सा चोट है, उसके भी हम एक्सरे के द्वारा पता करेंगे, कल उनको एडवाइस कर दिए हमने एक्सरे के लिए। चोट लगी है वो किस, कोई धारदार हथियार की चोट है या लकड़ी की है, पत्थर की है, कुछ आप बता सकते थोड़ा सा डॉक्टर? हाँ, ये तो कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, धारदार हथियार नहीं था इसमें, ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऐसा हथियार जिससे कि ज़्यादा घाव नहीं होता है, इस तरह के वो लकड़ी डंडा या कुछ और भी हो सकता है। महिलाओं को भी बाल पकड़ के मारा तो उसको भी कुछ आपके टेस्ट करा? नहीं, उसमें तो हमको कोई चोट नहीं लगी है। अच्छा। सिर्फ वो 2 लोगों को पता दिखा है चोट, बाकी वो महिला में ऐसा कुछ भी नहीं है लगी हुई। तो सर उस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर? देखिए, ये कल एक सूचना आई थी, रिपोर्ट आई थी, जिसमें ग्राम पंचायत निम्बोल के सचिव हैं साधुराम पिता बालाराम निवासी सुसारी के हैं, वो निम्बोल पंचायत में मंत्री हैं, सचिव हैं, और उसी पंचायत के सरपंच के पुत्र हैं प्रमोद पिता किशोर पटेल, और उनके साथ में राकेश पिता इंदर सिंह, अन्य 3-4 लोगों ने उसके साथ में मारा पीटी की और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया।
और सचिव की रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया गया है प्रमोद और उसके अन्य 3-4 साथी इनके खिलाफ, और विवेचना की जा रही है। कुक्षी से खबर समय जगत के लिए शुएब खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।